हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ होस्ट। आज हम देखेंगे 7 अगस्त की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, अपडेट, इवेंट्स एंड डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट इवेंट्स। आज के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 5 अगस्त 1905 को ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया था। 7 अगस्त 1944 में दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया गया था, जिसकी चौड़ाई 51 फीट थी और ऊंचाई 8 फीट थी और 5 टन वजन का था। 7 अगस्त 1947 में मुंबई नगर निगम को बिजली और परिवहन व्यवस्था औपचारिक तौर पर हस्तांतरित की गई थी। अमेरिका ने आज ही के दिन यानी कि 7 अगस्त 1957 में नेवादा ये परीक्षण स्थल पर परमाणु बम का परीक्षण किया था। गीत सेटी 7 अगस्त 1985 में विश्व की अमेचर ब्रिलियंट चैंपियनशिप जीतने वाले भारत के तीसरे व्यक्ति थे। अब देखते हैं इंडिया के कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के बर्थडेज के बारे में। भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन का आज 7 अगस्त 1925 को जन्म हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार तथा कलाकार अवनींद्रनाथ ठाकुर का आज 7 अगस्त 1871 में जन्म हुआ था। भारत के प्रसिद्ध विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का आज 7 अगस्त 1904 में जन्म हुआ था। तो अब देखते हैं इंडिया के कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के डेथ एनिवर्सरीज के बारे में। भारत के प्रसिद्ध लेखक तथा नोबेल पुरस्कार विजेते रविंद्रनाथ टैगोर का आज 7 अगस्त 1941 में निधन हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार गुलशन बावरा का 7 अगस्त 2009 में निधन हुआ था। अब देखते हैं इकोनॉमी के कुछ हाईलाइट न्यूज़। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कोविड पैकेज का फ्रेमवर्क जारी रखने और उसको प्रमोट करने में समर्थन किया और इस बात की घोषणा भी की कि 2021 में कोविड की वजह से इकोनॉमी में 5.5% की गिरावट हुई थी। अगस्त के महीने में भारत के निर्यात में 12.66% की गिरावट हुई, उसमें सबसे प्रमुख स्तर पर है गेहूं की गिरावट। जुलाई के महीने में औद्योगिक उत्पादन यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 10.4% से घटा है। आज के दिन की सबसे स्पेशल अपडेट, आज है 7 अगस्त यानी कि नेशनल हैंडलूम डे। आज का दिन 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे के तौर पर मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 7 अगस्त 2015 से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। 7 अगस्त ये दिन भारत के इतिहास में स्वदेशी आंदोलन के तौर पर मनाया जाता है, इसलिए सबसे पहले इतिहास में 7 अगस्त 1905 से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इकोनॉमी की सबसे स्पेशल अपडेट, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट में अट्रैक्ट करने के लिए 15 सदस्यों की समिति का गठन किया। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट्स के कुछ हाईलाइट एंड अपडेट न्यूज़ की तरफ। इंग्लैंड के ब्रिमिंगम में खेले जाने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडिया ने फिर से मेडल्स की कमाई की है, जिसमें 3 इंडिया ने गोल्ड मेडल हासिल किए। इंडिया ने गोल्ड मेडल रेसलिंग यानी कि कुश्ती में पाए हैं। सबसे पहला मेडल साक्षी मलिक ने हासिल किया है, दूसरा बजरंग पुनिया ने और तीसरा दीपक पुनिया ने। इसी तरह इंडिया ने 2 ब्रॉन्ज मेडल की कमाई की है। सबसे पहला ब्रॉन्ज मेडल तो दिव्या काकरान ने पाया है और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल मोहित ग्रोवाल ने पाया है। इसी तरह इंडिया के पास 26 मेडल अब तक मौजूद हो चुके हैं, जिसमें 9 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल है और इंडिया 5वें स्थान पर पदक तालिका पर पहुंच चुका है। और मेडल की कमाई में सबसे पहले नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, वो भी 140 मेडल के साथ। आज 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे के तौर पर हम आपको एक क्विज देना चाहते हैं। उस क्विज का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्विज की ओर। कौन से फाइबर को आर्टिफिशियल फाइबर कहा जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट रेयॉन, सेकंड नायलॉन, थर्ड पॉलिस्टर और फोर्थ एरिलिक। इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पिक करके हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही न्यूज़, इवेंट और डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ होस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।